सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुष्मांडा आईएएस एकेडमी, आप सभी का स्वागत है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो उतार लें एक बार। लिखा हुआ ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, डी सी इज द कोण ऑफ दिस सर्कल सच दैट डी सी पैरेलल टू ए बी। If angle ABAC is equal to 20 degree, then find angle ADC. ADC find करना। ठीक है, शुरू। क्वेश्चन कह रहा है ए बी जो है वो डायमीटर है ऑफ ए सर्कल, उसके बाद डी सी इज ए कोण ऑफ दिस सर्कल। डी सी एक कोण है इस सर्कल की पैरेलल टू ए बी। मान लीजिए डी सी यहाँ है, पैरेलल टू ए बी। उसके बाद लिखा हुआ है सच डैट डी सी पैरेलल टू ए बी एंड इफ बी ए सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। बी ए सी ये दे रखा आपको 20 डिग्री, देन फाइंड ए डी सी। आपको ए डी सी फाइंड करना है। आपको ए डी सी फाइंड करना है, ठीक है। देखें कैसे होगा, देखिए मैं आपको, अब मैंने पिछले जो क्वेश्चन है पिछली वीडियो डाली थी उसमें प्रॉपर्टीज करवाई थी, रूल्स करवाए थे। उस रूल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मान लीजिए मैं इसे हटा देता हूँ एक मिनट के लिए, तो वृत्त के व्यास से जो अर्धवृत्त पर कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि 90 का, क्लियर है। ये 90 डिग्री का, ये 20 का, ये कितने का आ गया, ये 70 डिग्री का हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। अब ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज वो होते हैं जिसके चारों वर्टेक्स लाई करते हैं सर्कमफेरेंस पर। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये अगर 70 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 110 डिग्री। तो आपको यही बताना था, ए डी सी आपको फाइंड करना था। बात समझ आ गई आपको, क्लियर हो रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कोण्स ऑफ ए सर्कल, विच इंटरसेक्ट each other at point P, which intersect each other at point P. O is the center of the circle, O is the center of the circle. If AOC is equal to 50 degree,
बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी पी डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी, हमें ये सेंटर ए बी एंड सी डी आर द टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल विच इंटरसेक्टेड एट पॉइंट पी। ठीक है, ओ इज द सेंटर। इफ ए ओ सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी पी डी, ये निकाल। तो देखें, अब मैंने आपको एक रूल करवाया था, सेम आर्क से बने सभी कोण समान होंगे। देखो, इस आर्क से जो ये कोण बन रहा है ये 40 का है, सेंटर पर बना कोण 40 का है। अगर इसी आर्क से सर्कमफेरेंस पर कोई कोण बनेगा वो इसका आधा होगा, 20 का होगा। अब इस वाले आर्क को देखो, आप एक बार इस वाले आर्क को देखिएगा, ये कोण अगर आपका 50 का है, ये देखें ये 50 का है, तो ये कितने का होगा, आधा 25 का। अब ये एक क्या है, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का जो बाह्य कोण होता है अन्य दो कोणों के सम के बराबर होता है, यही है। तो ये कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री। तो आंसर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। क्लियर, चलिए आज थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो थैंक यू।